नमस्ते, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरिस ग्रीन कैफ़े में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ घर पर आसान तरीके से ग्रो बैग में भिंडी कैसे उगाया जा सकता है। मैं इसे भिंडी के बीज से मैं उगाने वाली हूँ। तो ये मेरा भिंडी का पौधा है, देखिए ये पुराना पौधा है जिसे मैंने बहुत सारे भिंडी हार्वेस्टिंग की है अभी तक। तो ये हमारा पौधा बहुत ही हेल्दी है, इसमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगी है। तो चलिए हम जानते हैं कि ग्रो बैग में भिंडी कैसे उगा सकते हैं। तो देखिए ये उसके लिए मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ। इसमें 40% मिट्टी में आप 40% गोबर का खाद डालना है। भिंडी के लिए गोबर का खाद बहुत ही अच्छा होता है, उसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आपको भी गोबर का खाद यूज़ कर सकते हैं आप भी। 40% मिट्टी में 40% गोबर का खाद मिला लीजिए और खाद बहुत अच्छे से डिकम्पोज हुआ खाद लीजिए ताकि उसमें फंगस की प्रॉब्लम ना आए। अगर आप गीला खाद लेंगे तो उसमें फिर फंगस लग जाएगा और आपका पौधा अच्छे से नहीं चल पाएगा या फिर वो पौधा मर जाएगा। तो देखिए मैं बताती हूँ आपको इसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करना है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। 40% मिट्टी और 40% गोबर के खाद में हम 10% रेत भी मिलाएंगे और 10% नीम की खली, वर्मी कंपोस्ट, ये सारी खाद भी मिलाएंगे जिससे हमारा पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। तो ये देखिए 10% इसमें मैं रेत डाल रही हूँ। अब ये सारे जितने मिट्टी खाद और रेत है इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो हमारा मिट्टी है और खाद जो मिक्स कर रहे थे वो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे पूरे ग्रो बैग में भर लेंगे। ग्रो बैग का साइज़ 12x12 ही है। मैं वो जो मिट्टी और खाद था ये पूरे ग्रो बैग में डाल लिए हैं। अब ये देखिए ये वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली है, इसको भी मिक्स करके ऊपर ऊपर डाल के अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है ग्रो बैग में ही। तो ये मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली डाल रही हूँ। नीम की खली फंगस के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप अपने ग्रो बैग में नीम की खली डालें हैं मिट्टी में तो आपके पौधों को कभी भी फंगस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसे ज़रूर ही डालें। जब ग्रो बैग का मिट्टी तैयार करें तो उसमें नीम की खली डालना ज़रूरी ही है, आप उसे डाल लीजिए, आपका पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। देखिए ये पूरे ग्रो बैग में मैं डाल ली हूँ और ये बीज लगा रहे हैं। ये बीज से उगाना है इसलिए मैं इसमें पूरे ग्रो बैग में बीज लगा लूँगी। देखिए पूरे बीज मैं अब ग्रो बैग में लगा चुकी हूँ। अब लगभग सारे ग्रो बैग में मैंने बीज लगा लिया। बीज लगाने के बाद इसमें आपको ऊपर से पानी डाल देना है ताकि आपका पौधा जल्दी से जर्मिनेट हो जाए। तो ये मैं पानी डाल रही हूँ। आप पानी हमेशा मिट्टी चेक करके डालें। अगर आपकी मिट्टी सूखी है, आपके ग्रो बैग की मिट्टी, तभी उसमें पानी डालना है। बार बार पानी, जब मिट्टी अगर गीला है तो उसमें पानी ना डालें। ये 3 दिन के बाद का रिजल्ट है। देखिए इसमें हमारा जो बीज था वो जर्मिनेट हो गया और पौधा निकल गया है।
तो 3 से 4 दिन का ही टाइम लगता है आप, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन का टाइम लगता है भिंडी को जर्मिनेट होने में। तो ये हमारा भिंडी का पौधा है जो जर्मिनेट हो गया है। देखिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इसका, लगभग सारे ग्रो बैग में भिंडी के पौधे जर्मिनेट हो गए हैं। और ये 18 से 20 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। देखिए हमारा पौधा इतना अच्छा ग्रोथ कर रहा है और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा। अगर आप अपने प्लांट की केयर अच्छे से करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। भिंडी में बहुत ऐसे कुछ बीमारी लगती तो नहीं है, अगर कोई भी बीमारी लगे तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और आपको ऑर्गेनिक गार्डनिंग या भिंडी उगाने में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। देखिए ये 45 दिन के बाद का रिज़ल्ट है, इसमें बहुत सारे फूल और फल भी लग चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट पे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।